गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो होने वाला है वो अपकमिंग वेडिंग्स और अपकमिंग फेस्टिवल्स के ऊपर होने वाला है। आज मैं आपको एक ऐसी ज्वेलरी के बारे में बताने वाली हूँ जिसे कि आप बार बार डिफरेंट स्टाइल में कैरी कर सकते हैं और आप बोर भी नहीं होंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट स्टार्ट द वीडियो। एंड उससे पहले मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलेगा, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है फैशनेबल होमी। साड़ी ब्रोच आप इसे देख पा रहे होंगे, मैं इसे कैमरे के पास लेके आती हूँ। ये कितना ब्यूटीफुल है, आप इसे साड़ी के साथ, लहंगे के साथ या फिर कुर्तीज के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। आप इसे एज अ करधन, एज अ नेकलेस, एज अ साड़ी ब्रोच आप इसे किसी भी तरीके से कैरी कर सकते हैं और आप इससे बोर भी नहीं होंगे। मैं इसमें बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है। इसमें दो पिंस होते हैं लाइक दिस, तो आप एक पिन से यहाँ पे एक क्लॉथ में टक कर लीजिए और दूसरे पिन से यहाँ जहाँ पे भी आपको जिस जगह पे भी करना हो वहाँ पे आप इसे टक कर सकते हैं। मैंने तो इसे लोकल मार्केट से ख़रीदा है बट ये अमेज़ोन में भी अवेलेबल है विथ अ वेरी रीजनेबल रेट, तो आप इसे अमेज़ोन से भी खरीद सकते हैं। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही ब्यूटीफुल सेट है, बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है लाइक दिस, देखिए। साड़ी ब्रोच अभी इतना ट्रेंडिंग है कि इसे डेली सोप के एक्ट्रेसेस और सेलिब्रिटीज सारे इसे कैरी कर रहे हैं। पिक्चर्स में इसमें लगाऊंगी, मेंशन करूंगी, आप इसे देखिएगा। साड़ी ब्रोच इसे आप किसी के भी साथ कैरी कर सकते हैं और आप इसे बार बार किसी भी फेस्टिवल्स में या अलग अलग वेडिंग्स में रीयूज भी कर सकते हैं। इसे आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि बार 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 आपकी एक ही ज्वेलरी रीयूज हो रही है। किसी फंक्शन में आप इसे एज अ नेकलेसेस पहन लीजिए, किसी फंक्शन में आप एज अ करधन पहन लीजिए। मल्टीपर्पज ज्वेलरी, तो अगर आप इस फेस्टिव सीजन कुछ नया लुक चाहते हैं या आप वेडिंग सीजन में कुछ एक अच्छी ज्वेलरी पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ओवरऑल ये बहुत ही प्यारी ज्वेलरी है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। टिल देन बाय बाय।